हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल। माई सेल्फ मोहित गर्ग एंड आई एम वेलकम टू दी ऑनलाइन लेक्चर। अवर लेक्चर ऑफ टुडे नंबर इज 13, विच इज फ्रॉम द चैप्टर 4, डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स अवर लेक्चर टुडे। सी स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट इन दिस लेक्चर। दे विल स्टडी इन दिस लेक्चर Firstly, solutions of system of linear equation using Cramer rule. This is very important rule for competitive exam. ये जो रूल है स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आइए देखते हैं इस क्रैमर रूल के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल होता क्या है, इसको हम किस तरीके से इसका यूज करते हैं, लेट करते हैं। मान लीजिए दीज आर थ्री इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। मींस फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। एंड थर्ड इक्वेशन इज a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इट्स मींस जो a1 a2 a3 जो है वो आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ x, these are coefficient of x, b1 b2 b3 these are coefficient of y, and c1 c2 and c3 are coefficient of z, and d1 d2 d3 are constant term। okay students, इन सभी का यूज होना है। अब देखिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, a1x plus b1y plus c1z equal to d1, and these are second equation and these are third equation। अब इसमें x कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखिए आपने नोट कर लिया स्टूडेंट, इसको मैं रुक कर रहा हूं। देखिए x is equal to d1 by delta 1 by delta, this is इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डेल्टा। क्या बोलते हैं हम, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, अगर आपने ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन दी हो और आपने सॉल्यूशन निकालना हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके स्टूडेंट, आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, वाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, एंड जेड का फॉर्मूला होता है डेल्टा 3 बाय डेल्टा। कई बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स डेल्टा 1 को डिनोट किया हुआ है डेल्टा एक्स से एंड d1 से। ओके स्टूडेंट्स, एंड डेल्टा 2 को डिनोट किया हुआ है डेल्टा वाई से, और डेल्टा 2 को कई बुक्स में d2 से भी डिनोट किया हुआ है, डेल्टा 3 को डेल्टा जेड से और d3 से भी इसको डिनोट किया हुआ है, और डेल्टा मीन्स स्टूडेंट d से या डेल्टा डेल्टा होता है। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास चार चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो आपके पास डेल्टा, दूसरा डेल्टा 1, थर्ड आपके पास डेल्टा 2 एंड फोर्थ आपके पास डेल्टा 3। अब ये चारों हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ताकि हम अगर इनकी वैल्यू यहां पुट करके हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड कर सके। आइए अब देखते हैं डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या चीज है। ये आपके पास तीन इक्वेशन है, दीज आर फर्स्ट क्वेश्चन, दीज आर सेकेंड क्वेश्चन एंड दीज आर थर्ड क्वेश्चन। तो डेल्टा देखिए स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा के अंदर कोफिशिएंट आएंगे स्टूडेंट ये वाले a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ये तो होता है डेल्टा निकालने का फार्मूला। मींस आप इसका सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, वो उससे जो आपका आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी, आपके पास डेल्टा की वैल्यू आएगी। अब डेल्टा 1 आ जाए, डेल्टा एक्स लिख लो चाहे d1 लिख लो, तीनों का मीनिंग सेम है। ये कैसे निकलता है स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास ये चीज है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपके पास मान लीजिए ये चीज है। अब देखिए डेल्टा 1 के अंदर, डेल्टा 1 मीन फर्स्ट कॉलम, अब डेल्टा 1 का मतलब है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, डेल्टा 2 का मतलब है सेकंड कॉलम, एंड डेल्टा 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। ओके स्टूडेंट, डेल्टा 1 मींस फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने ये राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स को रखना है। देखिए राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट को मैंने यहां इसको रखा, और बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अंदर ये सेम, ये वाले डिजिट सेम रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम
ये थर्ड कॉलम, आपने इसका ध्यान रखना स्टूडेंट। फर्स्ट डेल्टा वन के अंदर सिर्फ वन वाले कॉलम के अंदर आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को रखना है, बाकी दोनों कॉलम जो है वो सेम आएंगे डेल्टा के। अब डेल्टा टू के अंदर सेकंड वाले कॉलम के अंदर आपने अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू रखने है, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के आएंगे सेम आएंगे। डेल्टा थ्री में अगर थर्ड कॉलम के अंदर आप ये वाले एलिमेंट रखोगे और फर्स्ट और सेकंड के आएंगे सेम आएंगे डेल्टा डेल्टा वाले। ओके स्टूडेंट, मींस डेल्टा के अंदर कोफिशिएंट आएंगे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। डेल्टा वन में पहले आप पहले कॉलम के अंदर हम लेंगे राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स मींस कांस्टेंट टर्म, और सेकंड कॉलम के अंदर सेकंड वाई के कोफिशिएंट, और थर्ड कॉलम के अंदर जेड के कोफिशिएंट। डेल्टा टू के अंदर हम सेकंड वाले कॉलम के अंदर लेंगे राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड थर्ड कॉलम के अंदर कोफिशिएंट ऑफ जेड। ऐसे डेल्टा थ्री के अंदर हम लेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, सेकंड के अंदर कोफिशिएंट ऑफ वाई, और डेल्टा थ्री है तो थर्ड कॉलम के अंदर आके बस क्या आएंगे कॉन्स्टेंट टर्म वाले एलिमेंट्स आएंगे D1, D2, D3। इस तरीके से आपने डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री की वैल्यू को आप फाइंड करते हुए आपने इसके अंदर को इसके अंदर आप क्या करोगे वैल्यू को पुट करोगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू को आप फाइंड करोगे। ओके स्टूडेंट, आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल है कंपिटेटिव एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको आई थिंक क्रैमर रूल समझ में आ गया होगा कि आपको ये तीन क्वेश्चन दी होगी, इन तीनों क्वेश्चन से सबसे पहले आपने डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा डेल्टा थ्री फाइंड करना है, फिर सभी की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और एक्स और वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया डेल्टा के डेल्टा इस तरीके से निकाल लेंगे, डेल्टा वन इस तरीके से, डेल्टा टू इस तरीके से, एंड डेल्टा थ्री इस तरीके से। आइए इस कुछ इसके इंपोर्टेंट रूल के बारे में जानते हैं। देखिए इंपोर्टेंट रूल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फर्स्ट क्या कहता है इंपोर्टेंट रूल, कहता है डी इक्वल टू जीरो। डी मतलब स्टूडेंट डेल्टा, डेल्टा आपको मैंने बताया था कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके स्टूडेंट्स, अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आए, मींस डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मींस या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मींस इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ D1, D2, D3 नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग समझिए स्टूडेंट। एट लीस्ट वन मतलब कि इन तीनों में से कोई भी एक अगर वैल्यू क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो, या तो तीनों इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो आए, क्या कोई एक इक्वल भी नॉट इक्वल टू जीरो आए, या डी टू इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो आए, मींस कोई भी एक या एक से ज्यादा अगर आपके पास क्या आते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो जो सिस्टम का इक्वेशन का जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा कंसिस्टेंट होगा, और इसका जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा नॉन ट्रायवल सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा नॉन ट्रायवल सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, आप ये ट्राइबल सॉल्यूशंस क्या होता है मैं आपको इसके अंदर एंड पॉइंट के अंदर बताऊंगा, आप इतना ध्यान रखिए। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मींस डी नॉट इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट वन D1, D2, D3 नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स मींस कोई भी तीनों में से अगर किसी भी एक की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो जो सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम होता है कंसिस्टेंट होता है, और जो सोल्यूशन होता है वो कौन सा सोल्यूशन होता है नॉन ट्राइबल सोल्यूशंस होता है। ओके स्टूडेंट, ये था इसका फर्स्ट रूल कंपिटिशन एग्जाम के अंदर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत आपके पास आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। बी पार्ट क्या कहता है, इफ डी नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डी नॉट इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट वन D1, D2, D3 इक्वल टू जीरो, मींस सेम इसी तरीके से इधर तो था कि डी कोई भी अगर एक एलिमेंट एक आपके पास क्या हो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। अब इस सेकंड पॉइंट में क्या है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल टू क्या आ जाए जीरो के इक्वल आ जाए, तो देन द गिवन सिस्टम इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन सोल्यूशन कौन सा होगा वो ट्रायवल सोल्यूशन होगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो नॉन ट्रायवल सोल्यूशन, अगर इक्वल टू जीरो आता है तो आपके पास क्या आएगा ट्रायवल सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए कहता है इफ डी डी वन डी टू डी थ्री इक्वल टू जीरो, मींस अगर चारों के चारों आपके पास क्या आ जाए चारों के चारों वैल्यू क्या आ जाए जीरो के इक्वल आ जाए,
चारों की चारों के आ जाए, आपके पास जीरो की इक्वल आ जाए, तो देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर क्या होनेंगे कंसिस्टेंट, और जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मींस डेल्टा की वैल्यू डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अगर ये चारों वैल्यू क्या आ जाए जीरो की इक्वल आ जाए, जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये थे इसके तीन पार्ट, आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए सबसे पहले अगर ये चारों पार्ट इक्वल टू जीरो आ जाए तो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके अंदर एक केस है, कहता है इन दिस केस मान लीजिए आपके पास ये तीन प्लेन्स दिए हुए हैं, तीन इक्वेशंस दी हुई है आपके पास a1x plus b1y plus c1z equal to d, ये जो इक्वेशंस होती है स्टूडेंट नॉर्मली ये जो इक्वेशन होती है प्लेन्स की इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशंस होती है स्टूडेंट प्लेन्स की इक्वेशंस होती है। अगर आपको ये तीन प्लेन्स की इक्वेशंस आपको दी हुई है, कहता है रिप्रेजेंट दीज पैरेलल प्लेन्स, अगर आपको कंडीशन दी हो कि ये तीनों इक्वेशन जो है वो क्या है पैरेलल है, मींस पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन है, और आपके पास ये आ जाता है कि डी डी वन डी टू डी थ्री किसके इक्वल आ गया जीरो के इक्वल आ जाए, तो देन बट द सिस्टम क्या हो जाएगा इसके अंदर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मींस अगर आपके पास सीधा अगर आपको कोई कंडीशन आती हो अगर चारों की वैल्यू जीरो के इक्वल आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लोगे। अगर कंडीशन आपको दे देता है कि ये पैरेलल प्लेन्स है, किसकी कंडीशन किसकी कंडीशन आपके पास गिवन है कि ये पैरेलल प्लेन्स है, तो देन अगर फिर आपके पास ये चारों वैल्यू जीरो आती है तो जो ये सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मींस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मींस नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, इस बात का आपने ध्यान रखना है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, कहता है इफ डी इक्वल टू जीरो, इफ डी इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ डी वन डी टू डी थ्री इज नॉट ए जीरो, मींस कम से कम इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू क्या हो नॉट जीरो हो, then the given system of equation is inconsistent and have no solution, means d equal to zero हो और अगर d1, d2 और d3 में से कोई भी एक वैल्यू क्या हो not equal to zero के equal हो तो system क्या होता है inconsistent and have no solution। ओके स्टूडेंट, ये थे इसका फोर्थ पॉइंट, इस मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ डी इक्वल टू जीरो डी वन डी टू डी थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, आइए इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है फिफ्थ नंबर पार्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए इफ एक्स वाई जेड, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर, कहते हैं इफ एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, मीन्स आर नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल्स हैं x, y और z, ये जो वेरिएबल्स हैं नॉट जीरो है और नॉट ऑल जीरो, मीन्स ये जीरो नहीं होने चाहिए। ये जीरो कब नहीं होंगे, जब आपके पास क्या हो a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, a4, b2, c2, a3, b3 और c3, ये सभी वैल्यूज क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये सभी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो x, y, z भी क्या होंगे नॉट ऑल जीरो। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स इनके कोफिशिएंट जीरो नहीं होंगे तो एक्स वाई जेड भी जीरो नहीं होंगे। अगर आपके पास ये तीन इक्वेशन दी हो कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास ये तीन इक्वेशन गिवन दी हो और कंडीशन दी हो टू बी कंसिस्टेंट, कंडीशन क्या दी हो टू बी कंसिस्टेंट इन एक्स वाई जेड, अगर आपके पास कंडीशन ये हो कि x, y, z आर नॉट ऑल जीरो, तीन इक्वेशन आपके पास गिवन है स्टूडेंट और कंडीशन क्या दी हो कंसिस्टेंट के दी हो, तो देन इनका जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल आता है। आप ये वाली कंडीशंस को लेके चलोगे और जो मिसिंग वैल्यू होगी आप उस मिसिंग वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो, मीन्स इस टाइप का एक क्वेश्चन आगा जिसमें आपको तीन इक्वेशन गिवन दी होगी, इस टाइप की तीन इक्वेशन आपको गिवन दी होगी, इनमें से कुछ भी तीन इक्वेशन गिवन दी हो, कंडीशन दी हो कि सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट है और एक्स वाई जेड क्या और नॉट ऑल जीरो, आपने ये जरूर ध्यान देना है कि ये नॉट जीरो होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और आपने मींस इसमें से किसी की आपने क्या करना हो मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपने डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या लेना है इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट मीन्स डेल्टा इक्वल टू जीरो, इट्स मीन्स डेल्टा इक्वल टू जीरो लेके चलोगे आप, इससे आप क्या करोगे मिसिंग वैल्यू को आप इजिली फाइंड कर सकते हो। अब रिमेंबर दैट, सब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि रिमेंबर दैट इफ ए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ओनली जीरो सॉल्यूशन, कहते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ओनली जीरो सॉल्यूशन फॉर ऑल इट्स वेरिएबल,
अगर आपके पास दिया हो कि जीरो सॉल्यूशन है सभी वेरिएबल्स का, देन द इक्वेशन आर सेट टू बी हैव ट्रायवल सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायवल सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए दोबारा से आपको रीड करवाता हूँ, रिमेंबर दैट इफ ए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव ओनली जीरो सॉल्यूशन, कि गिवन सिस्टम का सिर्फ ओनली फॉर जीरो सॉल्यूशन है फॉर ऑल इट्स वेरिएबल, देन द गिवन इक्वेशन आर सेट टू बी ट्रायवल सॉल्यूशन, अदरवाइज दीज सिस्टम्स आर नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन। ये थे इसके टोटल 5 पार्ट जो आपने मिस कर डिस्कस किए हैं। ये जो 5th पार्ट है, इस पार्ट पे आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए अब देखते हैं हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं क्रैमर रूल के यूज करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम क्रैमर रूल को यूज करते हैं। तो आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या कहता है, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मीन्स आपको ये 3 क्वेश्चंस गिवन दी है, दीज आर फर्स्ट क्वेश्चन, दीज आर सेकंड क्वेश्चन एंड दीज आर थर्ड क्वेश्चन। अगर आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बट मैं आपको यूजिंग करा रहा हूं, ये मेथड नहीं करा रहा, मैट्रिक्स मेथड आपने किया हुआ है, मैं यहां पे आपको रूल करा रहा हूं क्रैमर रूल। ओकेजन क्रैमर मेथड के क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। मैट्रिक्स मेथड से ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये करवाया हुआ है, अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को सोल्व करवाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, बहुत ईजी क्रैमर रूल हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसमें आपको जॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं होती है। मीन्स अगर आपके पास 3 इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा देखिए कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 c3। अब देखिए ये आप देख, सबसे पहले कोफिशिएंट लेने हैं 2 3 एंड 2, फिर -3, फिर अगस्त 1, फिर 3, फिर अगस्त आएगा 4 -2 एंड माइनस का 5, ये डेल्टा है। डेल्टा 1 भी लिख लेंगे, फिर हम सभी को सोल्व करेंगे बाय a11। ओके स्टूडेंट्स, डेल्टा 1 में आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए ये तो आपके पास डेल्टा आ गया, डेल्टा 1 क्या होगा स्टूडेंट, पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट मतलब 4 9 7, फिर बाकी दोनों टर्म्स क्या आएगी, सेम आएगी, फर्स्ट वाली 4 -2 - 5। ओके स्टूडेंट, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, पहली फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम में कॉन्स्टेंट टर्म आएगी 4 9 7, और थर्ड कॉलम एडिट ऐसा का ऐसी। और डेल्टा 3 आप कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आर सेम, और थर्ड कॉलम में लिखोगे 4 9 7। ओकेशन इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। अब आइए इन चारों की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। नाउ डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डेल्टा की वैल्यू थी आपके पास 2 3 2 - 3 1 3 4 - 2 - 5, 2 3 2 - 3 1 3 4 - 2 - 5। आइए अब इसके आप सिंपल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसको आंसर निकालेंगे। तो देखिए, तो इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करूंगा, तो आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, 1 - 2 3 - 5, फिर -3, और इधर आपके पास आ जाएगा 3 2 - 2 - 5, फिर +4 3 2 1 3। इसको सोल्व करो तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 - 5 + 6 + 3 - 15 + 4 + 4 9 - 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - 33 + 28 = -3। ठीक है, जो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब नाउ डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 1 आपके पास क्या स्टूडेंट, 4 9 7 - 3 1 3 4 - 2 - 5, इसको लेके चलेंगे 4 9 7 - 3 1 3 4 - 2 - 5। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, 1
थ्री माइनस टू माइनस का फाइव माइनस माइनस थ्री, इधर एलिमेंट बनेंगे नाइन सेवन माइनस टू माइनस का फाइव प्लस फोर, इधर एलिमेंट बनेंगे नाइन सेवन वन और थ्री। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए तो आपके पास बनेगा फोर माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस थ्री माइनस फोर्टी फाइव प्लस फोर्टीन प्लस फोर ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन। ओके स्टूडेंट, अब इसको सोल्व कीजिए तो ये फोर बनेगा प्लस थ्री माइनस थर्टी वन प्लस फोर ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन ट्वेंटी, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा फोर माइनस नाइन्टी थ्री प्लस एटीन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का नाइन। ये आपके पास किसकी वैल्यू आगी, डेल्टा वन की वैल्यू आगी। अब डेल्टा टू निकालते हैं स्टूडेंट, नाउ डेल्टा टू, डेल्टा टू की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखिए टू थ्री टू फोर नाइन सेवन फोर माइनस टू माइनस का फाइव, इधर पुट कर देते हैं टू थ्री टू फोर नाइन सेवन फोर माइनस टू माइनस का फाइव, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करूंगा नाइन सेवन माइनस टू माइनस का फाइव माइनस फोर थ्री टू माइनस टू थ्री टू माइनस टू माइनस का फाइव प्लस फोर थ्री टू नाइन और सेवन। अब इसको सोल्व कीजिए टू इंटू में माइनस फोर्टी फाइव प्लस फोर्टीन माइनस का फोर माइनस फिफ्टीन प्लस का फोर फिफ प्लस फोर ट्वेंटी वन माइनस एटीन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कीजिए टू इंटू माइनस थर्टी वन माइनस फोर इंटू माइनस इलेवन प्लस फोर इंटू थ्री, अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस सिक्सटी टू प्लस फोर्टी फोर प्लस ट्वेल्व इक्वल टू आ जाएगा माइनस सिक्सटी टू प्लस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू माइनस का सिक्स। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा टू की। अब नाउ डेल्टा थ्री निकालते हैं स्टूडेंट्स, नाउ डेल्टा थ्री, डेल्टा थ्री के अंदर स्टूडेंट क्या आएगा, ये फोर नाइन सेवन आपके पास लास्ट में आएगा, फर्स्ट कॉलम आपके पास सेम रहेगा, सेकंड कॉलम के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी माइनस थ्री वन थ्री। ओके स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करेंगे सेम इसी तरीके से तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, वन थ्री नाइन सेवन माइनस माइनस का थ्री थ्री टू नाइन सेवन फिर प्लस फोर थ्री टू वन थ्री। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल तरीके से आपने इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हुए आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, फिर हम उसकी वैल्यू जो चारों की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए फटाफट करते हैं, सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इंटू टू माइनस का फोर्टीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन माइनस एटीन थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस नाइन माइनस टू सेवन सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस नाइन थर्टी सेवन थर्टी सेवन में से फोर्टी माइनस करोगे माइनस का थ्री। ये आपके पास आ गई आपके पास डेल्टा थ्री की वैल्यू। अब आपके पास स्टूडेंट आगे पास फार्मूला आता है, नाउ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा, वाई इज इक्वल टू डेल्टा टू बाई डेल्टा, जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री बाई डेल्टा। अब इन सभी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए डेल्टा की वैल्यू अब माइनस थ्री आई थी, डेल्टा वन माइनस नाइन, तो इधर पुट करेंगे माइनस नाइन अपॉन में माइनस का थ्री, तो इट्स मीन्स आपके पास कितना आ गया थ्री। डेल्टा टू की वैल्यू आपके पास आई है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स बाई माइनस थ्री, ये सोल्व करोगे तो आ गया टू, और डेल्टा थ्री की वैल्यू आई है माइनस का थ्री, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा वन। तो ये आपके पास क्या आ गए, एक्स वाई एंड जेड। इस तरीके से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को सोल्व करना है। दीज आर क्रैमर रूल, मीन्स जो आपके पास गिवन इक्वेशन भी होगी उस क्वेश्चन को आपने पहले सबसे पहले डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री आपने फाइंड करोगे, फिर उसके बाद आपने इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हुए एंड के अंदर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए इसका एक क्वेश्चन वो करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग बुक में से क्वेश्चन को ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स,
आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने आपको ये पहले इस लास्ट वीडियो के अंदर भी करवाया था यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, अब मैं इसको यूज करवा रहा हूँ क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए कहते हैं द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज सिक्स, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर By 3 and add second number to it, we get 11. मैंने इसकी equations आपको बनाना सिखाया था student. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तीन number add कर लेते हैं, let first, second and third number, third numbers be denoted by X, Y and Z respectively. हम तीनों नंबर को X, Y, Z respect Z लेट कर लेते हैं। तो four given according to question देखिए क्या कहता है। सबसे पहले कहते हैं sum of three number is six. Means इन तीनों का नंबर का जो sum है वो क्या है, six है। Means X plus Y plus Z equal to six. ये first question है। अब इसका कहता है if we multiply third number by three. जो थर्ड नंबर है ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर है सुना के बाद जेड, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से। मतलब आपके पास इधर क्या आ जाएगा, थ्री जेड एंड ऐड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है वाई, इसमें ऐड करना है सेकंड नंबर वाई। तो जो ये नंबर बनेगा वो किसके इक्वल आता है, इक्वल टू 11 के। दीज आर ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड करते हैं तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू कदम वी गेट, तो किसके इक्वल आता है, डबल ऑफ द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का डबल मतलब 2y। इसको हम सोल्व करके लिखेंगे, 2y को इधर ले आओ तो ये बनेगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट आपके पास इधर क्या है, प्लस लिख के इधर जीरो इंटू एक्स लिख देंगे। ओकेशन क्या लिख देंगे, जीरो इंटू एक्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनके कोफिशिएंट लेने हैं। तो इनके कोफिशिएंट होंगे जो स्टूडेंट 101, 11 माइनस 2, 131। ओके स्टूडेंट आप लिख लेते हैं इसको, नाउ डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपके पास क्या आएगी, देखिए साथ ही साथ हम सोल्व भी कराऊंगा। 101, 11 माइनस 2 एंड 131 इधर पुट कर रहा हूँ। 101, 11 माइनस 2, 131। अब इसको सोल्व करेंगे सिंपली तरीके से, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस 2, 31 माइनस का 1, 0, 3, 11 प्लस 1, 0, 11 माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस 6 माइनस का 1, 0 माइनस 3 प्लस 1, 0 माइनस का 1 इक्वल टू आगे बता देगा 7 प्लस 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 9। मीन्स नॉट इक्वल टू 0, आपका डेल्टा की वैल्यू आ गई 9। अब डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 1 में स्टूडेंट कैसे लिखना है, देखिए कुछ नहीं करना, पहले जो दो कॉलम है ये वाले सेम लिख दो यहाँ पे, 11 माइनस 2, 131। अब फर्स्ट कॉलम में आपने राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट लेने हैं 6, 11 और 0, 6, 11 और 0। ओके स्टूडेंट अब आइए इसको सोल्व करते हैं सिंपल तरीके से, तो 6, 1 माइनस 2, 31 माइनस 1, 11, 3, 0, 1 प्लस 1, 11, 1, 0 माइनस का 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट 6, 1 प्लस 6 माइनस 1, 11 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 22 माइनस का 0। अभी को सोल्व करेंगे तो 42 माइनस 11 माइनस 22 इज इक्वल टू 42 माइनस 33, 42 में 33 माइनस करोगे आपके पास स्टूडेंट कितना आएगा, 9। तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 9। ओके स्टूडेंट्स आइए अब डेल्टा 2 निकालते हैं, डेल्टा 2 में क्या करना है, नाउ पहले फर्स्ट और थर्ड सेकंड कॉलम के अंदर हम लिख देंगे 6, 11 और 0, फर्स्ट कॉलम में 101 और थर्ड कॉलम में 131।
101 एंड 131। ओके फ्रेंड्स, आइए आप इसको सोल्व करते हैं। तो 1 ये आपका साथ है 11031 माइनस 60131 पी प्लस 101110। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या बनेगा देखिए, 11 माइनस 0 माइनस 6 0 माइनस 3 प्लस 1 0 माइनस का 11। ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 18, ये डेल्टा 2 आ गया। अब सेम इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा 3। डेल्टा 3 में हम थर्ड कॉलम के अंदर वो एलिमेंट रखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब 6 11 0 यहाँ रख देंगे, ये फर्स्ट कॉलम सेम है। सेकंड कॉलम के अंदर आपके पास आएगा 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए 1 माइनस 2 11 0 फिर माइनस 1 0 1 11 0 फिर प्लस 6 0 1 1 माइनस का 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 0 माइनस 22 0 प्लस का 22 माइनस 1 0 माइनस 11 प्लस 6 0 माइनस का 1। अभी के सोल्व करिए, 22 प्लस 11 माइनस 6 तो आपके पास आ जाएगा 27। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा 3 की। नाउ अब आपके पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स आपके पास 9 और डेल्टा की वैल्यू भी क्या है 9, तो इधर पुट कर देंगे 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट 1। डेल्टा 2 की वैल्यू आई थी आपके पास स्टूडेंट 18, तो इधर आ जाएगा 18 बाई 9, इसको कैंसिल करोगे 2 तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। एंड डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 बाई 9 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 3 नंबर्स आर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आप क्रैमर रूल का यूज करते हुए आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये जो मैंने रूल कराया है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व कराया है। आप इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सेम क्वेश्चन को आपको मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग करवाया था। मैट्रिक्स मेथड पे पहले डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ता है, फिर ज्वाइंट ऑफ ए, फिर इनवर्स, फिर ए एक्स इक्वल टू बी लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्रैमर रूल में सिर्फ आपने क्या करना है, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आपने वैल्यूज को फाइंड करना है और फिर आपने एक्स वाई जेड वैल्यू को अंदर पुट करते हुए आंसर आपने इजीली तरीके से फाइंड करना है। ये मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको लग रहा है कि इसमें भी टाइम लग रहा है, बट दीज आर वेरी सिंपल मेथड। ओके स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल मेथड है सोल्व करने का। ये मेथड तभी यूज करोगे जब आपने क्रैमर रूल से ही अगर आपको बोला हो सोल्व करने के, अदरवाइज आप मैट्रिक्स मेथड का ही यूज करोगे। ओके स्टूडेंट, ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको क्रैमर रूल के बेस पे क्वेश्चन करवाए थे। क्रैमर रूल जो स्टूडेंट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। दिस इज इंपॉर्टेंट रूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो पांच मैंने आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पांच रूल बताए हैं, दिस आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के अंदर मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।